जय बजरंगबली की। दोस्तों कहते हैं माता लक्ष्मी और गणपति के समक्ष कुछ विशेष उपाय अगर आप दिवाली के दिन कर लेते हैं तो आपकी हर परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने वाले हैं जो अगर आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के सामने बोल देते हैं तो आपको सभी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है, सब संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह शुभ संयोग 499 सालों के बाद आ रहा है। इस बार दिवाली 14 नवंबर को है, यानी कि शनिश्चरी अमावस्या के दिन 14 नवंबर शनिवार को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। हर कोई गणपति और माता लक्ष्मी से अपनी उन्नति और खुशहाली के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगता है। कहते हैं कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती हैं और सभी के घर एक बार अवश्य जाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस दीपावली माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस जाए और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए अपना एक अंश आपके घर में छोड़ जाए तो आप आज की इस वीडियो में बताए जाने वाला मंत्र अवश्य करें। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आए और आपको उनकी कृपा प्राप्त हो और आपको इनका आशीर्वाद प्राप्त हो, माता लक्ष्मी की दया दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, तो इसके लिए दीपावली के दिन कुछ खास छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। इनमें से एक है माता लक्ष्मी का प्रिय मंत्र। इसके अलावा भी उपाय होते हैं, आपको वे हमारी अन्य वीडियोज में देखने को मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंग बली अवश्य लिख दें और हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे इसलिए आप बेल के आइकन को दबा दें और हमारी हर एक वीडियो को सबसे पहले देखें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय और खुशहाल जीवन। दोस्तों कहते हैं माँ लक्ष्मी और गणपति के समक्ष कुछ अगर उपाय आप कर लेते हैं, खासकर से दीपावली के दिन कर लेते हैं, तो आपको अपनी हर परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक मंत्र बता रहे हैं। इस मंत्र का आपको केवल 11 बार जाप करना है और आपकी सभी समस्याएं अपना दम तोड़ देंगी। दोस्तों माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, इसीलिए धन से संबंधित कोई भी उपाय अगर आप दीपावली के दिन करना चाहते हैं तो इससे बेहतर और कोई भी दिन नहीं हो सकता है। अगर आप भी अपनी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो माता लक्ष्मी और गणेश जी के सामने इस एक मंत्र का जाप अवश्य करें, आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों पहले जान लीजिए कि आपको वो कौन सा मंत्र है जो आपको बोलना है और उसके बाद इसी वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से कौन से विधि विधान से आपको इसकी पूजा करनी है और किस प्रकार से आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, किस प्रकार से आपको 11 बार ये मंत्र पढ़ना है। इसलिए दोस्तों आज वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। दोस्तों वह मंत्र है ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ही श्री ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। यह मंत्र माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। अब जानते हैं कि आपको किस प्रकार से इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों इसके लिए आप प्रातः काल जल्दी उठ जाएं और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने घर के पूजा के मंदिर में माता लक्ष्मी और गणपति जी की एक तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। अगर संभव हो तो चांदी से निर्मित माँ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए और उसको स्थापित करके पीले और लाल रंग के पुष्पों से सुसज्जित करें, यानी कि पीले और लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद एक दीपक जलाएं। दीपक अगर देसी घी का हो तो सर्वोत्तम है, अन्यथा आप सरसों के तेल का बना हुआ दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन दीपक में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे से बनी हुई बत्ती का प्रयोग करें। उसके बाद आप 5 अलग अलग तरह की मिठाइयों का भोग लगाएं। ध्यान रहे कि उनमें से एक मिठाई सफेद रंग की होनी चाहिए, जैसे कि बर्फी, रसगुल्ला। भोग लगा देने के बाद जब दीपक जल रहा हो तब आपको अपने हाथ जोड़कर इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। मंत्र एक बार फिर सुन ले दोस्तों। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ही श्री ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 11 बार पाठ हो जाने के बाद आप अपनी आंखें खोले बिना माता लक्ष्मी से अपनी सभी समस्याएं और उसके बाद अपनी सभी मनोकामनाएं कह दें।
दोस्तों मात्र इतना सा उपाय है और ये मंत्र बहुत ही साधारण है और ये जाप संख्या भी कम है। अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप ज्यादा भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति कभी भी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अनभिज्ञ नहीं रहता है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से उसे हर प्रकार का सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जीवन में खुशहाली बनी रहती है। और माता लक्ष्मी जब भ्रमण के लिए दिवाली की रात निकलती है तो ऐसे घर में जहां इस मंत्र का उच्चारण हुआ हो वहां पर अपना अंश जरूर विद्यमान करती है और अपने एक अंश के रूप में हमेशा उस घर में वास करती है और मंत्र जाप करने वाले जातक से सदैव प्रसन्न रहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात हो, तब तक के लिए दे मैं जाता धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय बजरंगबली।